आ चुके हैं भाई टाइगर 3 के एक और न्यू एपिसोड में वापस, टाइगर 3 के ऑल अपडेट्स में भाई एक और न्यू एपिसोड में वापस। और शायद तुम भूल गए कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, टाइगर इज ऑलवेज रेडी। तो गाइस यहां पे टाइगर का आज एक और छोटा सा प्रोमो है गाइस वो निकल के सामने आ चुका है, काफी ही अच्छा है। और यार मतलब इसमें और एक्शन सीन हमें देखने को मिले, जो मुनीश डायरेक्टर मुनीश शर्मा ने बताया था पहले कि ये तो भाई ट्रेलर में कुछ भी नहीं था, अभी काफ़ी कुछ इसमें देखने को अभी है यार। ये तो 99% में केवल 1% था जो ट्रेलर में हमने देखा था। जो गाइस जो अभी प्रोमो कट ऑफ किया गया ये भी यूनिक है मेरे भाई, ये भी काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जो हमने भाई ट्रेलर में नहीं देखे थे, यहाँ पे टीजर में नहीं देखे थे, तो अलग ऑफ कट किया इन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले इसको। एंड बात करते गाइस अब नेक्स्ट जो ऑल अपडेट्स है गाइस कि इसका जगह इस जो ट्रेलर है आई टू नाइट टेलीविजन में देखने को हमें मिल जाएगा, मूवी स्टार के ऑल चैनल पे। ये एक छोटा सा जो पोस्टर है गाइस आज शेयर किया था मेकर्स ने, तो इसमें टाइमिंग लिखा गया इन्होंने और बाकी स्टार के जितने भी चैनल्स हैं वो भी नीचे नाम है गाइस वो लिखा है। ये रहा भाई सेकंड ऑफ अपडेट। जो गाइस जो थर्ड अपडेट है गाइस जो गाइस मेरे को तो यार काफ़ी ही अच्छा लगा ये कि जो साउथ के अंदर स्टेट वाइज जैसे कि कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला हो गया एंड यूटी पोंडुचेरी हो गया, तो इन सारे प्लेसेस में जो टाइगर 3 का हिंदी वर्जन है, जी गाइस इन सारे प्लेसेस में जो टाइगर का हिंदी वर्जन है उसको इंग्लिश सब टाइटल्स में भी रिलीज़ किया जाएगा। यार ये देखकर मेरे को काफ़ी ही अच्छा लगा, मतलब कि जिनको भाई हिंदी साउथ है ऑब्वियसली वैसे तमिल तेलुगू में इसका दब है गाइस वो लगेगा ही लगेगा, बट गाइस कुछ ऐसे भी होते हैं भाई ओरिजिनल देखना पसंद करते हैं और उनको हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ ये वहाँ पर पिक्चर है गाइस वो लगने वाली है। तो पर्सनली गाइस मेरे को ये अपडेट्स काफ़ी ही अच्छा लगा है, जो भाई वायर फॉलों ने ये जो काम किया गाइज तो काफ़ी अच्छा लगा भाई, जरूर इससे थोड़ा सा नंबर सा गाइज बहुत ज़्यादा आएगा एंड ऊपर से गाइज पब्लिक ओरिजिनल वर्जन भी देखने के लिए जाएगी। दब तो आसोई को पता है भाई नहीं चलता, हिंदी मूवीज़ भाई नहीं चलती साउथ में, अभी देख लो हाल ही में जवान आई थी उसमें तो ऑल स्टार का मैक्सिमम साउथ की थी, ऊपर से गाइज जो डायरेक्टर थे एटली वो भी साउथ से ही थे, बड़ी मुश्किल से 60 करोड़ के आसपास नंबर से निकाला, फिर भी ये देख लो भाई इतनी बड़ी मुश्किल, मतलब स्टार कास्ट होने के बाद भी डायरेक्टर होने के बाद भी मतलब 60 करोड़ के आसपास ही, जो कि पठान का सभी को पता ही है। और यहाँ पे तो भाई जो टीजर ट्रेलर प्रोमो वगैरह जो भी आया अभी तक तो ज़्यादा व्यूज़ काउंट नहीं मिल रहे हैं भाई साउथ से, तो ज़्यादा उम्मीद मत रखो। और जो भाई यहाँ पे ये वायर फॉलों ने ये किया है शायद ये भी इसलिए किया उन्होंने क्योंकि उनको भी पता है कि भाई तमिल तेलुगु में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो गाइस ये रहा तीसरा, बात करते हैं चौथे अपडेट की गाइस। तो जो सेंसर ने गाइस कट ऑफ किया है इसमें कोई सीन चेंज किए हैं या फिर नहीं किए हैं, तो कई सारे मूवीज आती हैं भाई उनको 25-25, 20-20, 30-30 कट्स भी लगते हैं, तो क्या भाई टाइगर 3 को इतने कट लगे हैं या फिर नहीं। तो गाइस जो अभी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, केवल दो ही वर्ड हैं उनको चेंज किया गया है। तो गाइस एक बेवकूफ़ वर्ड है बेवकूफ़ जिसको चेंज करके गाइस मशरूफ रखा गया है, एंड नेक्स्ट गाइस एक है यहाँ पे फूलिश यानी वो चेंज करके गाइस बिजी किया, बस यही दो वर्ड है गाइस जिनको चेंज है गाइस वो किया गया, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो ओरिजिनल था गाइस वही सेम ही है। तो ये रहा टोटल 4 अपडेट। बात करते गाइस अब आगे जो मतलब बुक माई शो की बात करूँ गाइस तो लगभग 3,36,000 के आसपास इंटरेस्ट हो चुके हैं, और जब 2,50,000 लगभग 250K समथिंग इंटरेस्ट थे, मैंने तब बताया था कि भाई ये किसी भी हालत में रिलीज से पहले 500K प्लस जाने ही चाहिए भाई, और 500K से नीचे रहे तो भाई फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई ये इतना कर सकती है लाइफ टाइम में, मतलब जो डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं हम, तो शायद गाइस वहाँ पे ना पहुँचे। तो अभी 336 तक ये जा चुका है गाइस, तो मुझे अभी भी फुल ऑफ उम्मीद है कि ये 500K प्लस तो गाइस इजीली चले ही जाएंगे इसके इंटरेस्ट। बात करते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट बाई IMDb की, वो क्या कह रही है यार मामला वहाँ पे यार ठंडा ही दिख रहा है, मतलब जो होना चाहिए यार एक टाइगर 3 सल्लू भाई के पिक्चर है बट गाइस वो नहीं दिख रहा है, मुश्किल से यार 21-22% के साथ नंबर 1। हाँ नंबर 1 पे तो है यार टाइगर की 3 आ रही है, सलमान खान की मूवी आई और ऑब्वियसली वो नंबर 1 पे ही होगी क्योंकि उससे पहले अभी कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है, वो 21-22% ओनली, ये मेरे को प्रतिशत थोड़ा यार कम लगा, कम से कम यार रिलीज से पहले मतलब 10-11 तारीख तक यार 35-40% तो यार जाना ही चाहिए, अरे उससे नीचे गए तो यार शायद जो नंबर्स हम सोच रहे हैं कि यार लाइफ टाइम यहाँ पर जा सकती है तो भाई मामला थोड़ा ठंडा भी रह सकता है। हाँ यार वो IMDb लिस्ट देखकर वैसे भी यार लाइफ टाइम क्वेश्चन बताना कोई इसमें और इसमें कोई यार कोई कुछ जुड़ाव नहीं रहता है, बट फिर भी गाइस थोड़ा सा यार ग्राउंड लेवल प्रमोशन
जो बज होता है गाइस, और जो दूसरे नंबर पे एनिमल गाइस 17-18% के साथ खड़ी, मतलब काफ़ी क्लोज है, जो कि एनिमल दिसंबर फर्स्ट को आएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में, फिर भी गाइस 17-18% के साथ सेकंड नंबर पे है, ये शॉकिंग है भाई। उस हिसाब से मेरे भाई यहाँ पे 35-40% के साथ अब भी टाइगर 3 को होना चाहिए था, जो कि गाइस ऐसा नहीं है। तो गाइस ये रहा टोटल टाइगर 3 की अपडेट्स, जो कि जो अभी आ रही थी मैंने सभी को भाई बता दिया। बात करते हैं भाई एडवांस का क्या सीन चल रहा है। देखो मैंने सुबह एडवांस बताया था सभी को, डोमेस्टिक हो चाहे फिर ओवरसीज क्यों ना, ओवरसीज ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है। तो बाकी गाइस अभी अपडेट्स निकल के सामने नहीं आ रही है, थोड़ा ट्रैक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो इन्होंने रिलीज डेट मतलब चेंज की, मतलब 12 से लेकर 11 आई है कुछ प्लेसेस में, कुछ नहीं, जो मतलब मेन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है हिंदी मूवीज़, वहाँ पे इन्होंने 11 नवंबर को किया। तो भाई अभी थोड़े थोड़े प्लेसेस में ओपन हो चुका है, कुछ प्रॉपर तरीके से एडवांस ओपन हो रहा है, तो अभी होने दो भाई टोटली सारा, फिर डेली रिपोर्ट्स है गाइस वो आती जाएगी। और इंडिया की बात करूँ भाई डोमेस्टिक की, तो यार कुछ प्लेसेस में ओपन हो रहा है, बट फिर से उसको बंद कर दिया जा रहा है, मतलब क्लोज। आपको कभी देखेंगे यहाँ पे एडवांस ओपन है, थोड़ी देर देखोगे आप चेक करोगे भाई ये क्लोज हो जाएगा। मैंने दिल्ली में देखा था सुबह कि भाई एडवांस ओपन था, एडवांस ओपन भी था, ओपन के साथ साथ ही भाई यहाँ पे ऑरेंज भी छा गया था, मतलब कि फिल्म फास्ट शो चलना स्टार्ट भी हो गए थे, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि सडनली वहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये क्या है, मतलब इशू या फिर जानबूझकर देख रहे हैं कि क्या सीन है, क्या बस है, मतलब एडवांस ओपन करें तो किस रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी वेस्ट बंगाल में ने देखा था सुबह, मैंने आप सभी को स्क्रीन शॉट्स भी दिखाए थे कुछ प्लेसेस में कि कैसे कैसे एडवांस चल रहा है, कुछ प्लेसेस में भाई ठीक ठाक टिकट्स में बिक चुके थे, जो कि आज मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि वो ही बंद हो चुका था। बार बार वो होल्ड रहे हैं, बार बार गाइस ओपन भी कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो बंद भी कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से आप सभी को पता है कि भाई 5 नवंबर को ओपन होगा डोमेस्टिक में एडवांस, जो कि मुझे लगता है कि भाई ये 4 यानी कल शाम को कुछ प्लेसेस में ओपन हो ही जाएगा, जो कि उसके बाद संडे को प्रॉपर तरीके से एडवांस है गाइस वो ओपन कर देंगे। तो देखते हैं गाइस किस तरह एडवांस रफ्तार है गाइस वो पकड़ दी है। फुल ऑफ उम्मीद है कि भाई इस बार टाइगर फोड़ेगा, भाई टाइगर फोड़ेगा। जब मंडे को डे नंबर 1 का वर्ल्ड वाइड पोस्टर देंगे ना YRF, मुझे लगता है कि यार 150 ना चला जाए यार, जो एक दिन पहले आ रही है ना ओवरसीज में कुछ कंट्रीज में, तो यार बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इसको, नंबर्स बड़ा जंप लेगा नो डाउट। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही, एंड डे वाइज एडवांस बुकिंग बॉक्स ऑफिस क्रशिंग और सब कुछ गाइस आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। एंड आपका इसमें क्या कहना है कि भाई डे नंबर 1 में कितना पोस्टर आ सकता है भाई वर्ल्ड वाइड में, डायरेक्ट बताओ कमेंट सेक्शन में भाई। तो डे वाइज एडवांस बुकिंग बॉक्स ऑफिस क्रशिंग और सब कुछ गाइस आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा, जब डोमेस्टिक एडवांस का ओपन होगा कंपैरिजन भी करेंगे अनदर मूवीज के साथ जो भाई इसके टक्कर में होगी, जैसे जवान पठान जिनका अच्छा खासा एडवांस था पहले दिन, तो उनका कंपैरिजन करेंगे। तो इसलिए कर लो सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।